नमस्कार दोस्तों, आज हम जाति, धर्म और लैंगिक मसले पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इसके भाग एक से। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लिंग विभाजन पर, नारीवादी आंदोलन पर और महिला भेदभाव वाले क्षेत्र पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लिंग विभाजन से। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, भारत में सामाजिक असमानता का यह रूप अर्थात लिंग विभाजन हर जगह नजर आता है, लेकिन राजनीति के अध्ययन में शायद ही इस बात की पहचान की जाती है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें लिंग विभाजन की परिभाषा की या इसके अर्थ की, तो लिंग विभाजन महिलाओं के प्रति भेदभाव को दर्शाता है, जिसमें महिलाओं को पुरुष से नीचा दिखाया जाता है और कुछ कार्य करने के लिए उन्हें असमर्थ माना जाता है, या फिर कुछ कार्य वो नहीं कर सकती हैं और वो कार्य सिर्फ पुरुषों के लिए ही संरक्षण माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लिंग विभाजन पे अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। अब हम बात करेंगे निजी और सार्वजनिक का विभाजन। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे समाज में लड़के और लड़कियों के पालन पोषण में अंतर पाया जाता है, या कहें तो शुरुआत से ही औरतों को यह सिखाया जाता है कि उनकी मुख्य भूमिका या उनकी मुख्य जो जिम्मेदारी है वो गृहस्थी चलाना और बच्चों का पालन पोषण है। दोस्तों, श्रम का यह लैंगिक विभाजन हमारे समाज के लगभग हर परिवार में देखा जाता है। सार्वजनिक जीवन, खास तौर से राजनीतिक में महिलाओं का बहुत कम योगदान देखा जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे नारीवादी आंदोलन पे। दोस्तों, समाज में हो रहे अपने खिलाफ भेदभाव को लेके महिलाओं ने अनेक संगठन बनाए और समाज में बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए इन आंदोलनों का प्रयोग किया। दोस्तों, नारीवादी आंदोलन का कहे तो मुख्य रूप से महिलाओं को राजनीतिक और वैधानिक दर्जा ऊंचा उठाने के लिए और उनके शिक्षा तथा रोजगार के अवसर को बढ़ाने के मांग पे केंद्रित है। दोस्तों, इन आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी उनको समानता दिलाने के लिए होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे नारीवादी आंदोलन का प्रभाव। दोस्तों, नारीवादी आंदोलन के कारण महिलाओं की भूमिका सभी क्षेत्रों में देखी जाने लगी। जो महिलाएं पहले सिर्फ घर के कामकाज और बच्चों के पालन पोषण में बिजी रहती थी, अब इन नारीवादी आंदोलन के कारण उनकी भूमिका हर क्षेत्रों में देखी जाने लगी, जैसे कि राजनीतिक तथा मीडिया के क्षेत्र में। दोस्तों, पहले ये दो ऐसे कार्य हुआ करते थे जिसमें महिलाओं को लायक नहीं माना जाता था, अर्थात इन क्षेत्रों में महिलाओं को दूर रखा जाता था, लेकिन राजनीतिक गोलाबंदी या पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन ने इन क्षेत्रों में भी महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने में मदद प्रदान की, जिसके कारण आज इन क्षेत्रों में फेमस पर्सनालिटी सच एज ऐश्वर्या राय, सुषमा स्वराज, मदर टेरेसा, लता मंगेशकर, इसके अलावा फेमस राजनीतिक पर्सनालिटी सच एज इंदिरा गांधी
ममता बनर्जी, जयललिता इनकी भूमिका सराहनीय है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम नारीवादी आंदोलन के प्रभाव पे चर्चा को जारी रखते हुए अब हम नारी की शिक्षा के फील्ड में उनकी भूमिका पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन के कारण अब मुख्यतः या संभवतः लगभग हर क्षेत्रों में नारी सबसे आगे दिखाई देती हैं। वहीं पे शैक्षिक क्षेत्र में भी नारियों की या महिलाओं की मुख्य भूमिका नजर आती है। जैसे कि अब महिलाएं वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रबंधक और कॉलेज और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के रूप में काम करते हुए देखी जाती हैं। इनमें से फेमस पर्सनालिटी जैसे कि इंदिरा हिंदुजा, नंदिनी हरिनाथ, कल्पना चावला और बचेंद्री पाल को कोई नहीं भूल सकता। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे महिला भेदभाव वाले क्षेत्रों पे। दोस्तों, हमारे देश में आजादी के बाद महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुई है, पर अभी भी ऐसे कई स्थान हैं जहां उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो पहले हम बात करते हैं साक्षरता भेदभाव पे। दोस्तों, हमारे समाज में या हमारे देश में महिलाओं में साक्षरता दर अभी भी मात्र 54% है, जबकि यहाँ पे पुरुषों में साक्षरता दर 76% पाई जाती है। दोस्तों, इसी प्रकार स्कूल पास करने वाली महिलाओं की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको स्कूल से ज्यादा पढ़ाने में रुचि नहीं रखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा महिला भेदभाव वाले क्षेत्रों पे जारी रखते हुए अब रोजगार में भेदभाव पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, अत्यधिक भुगतान और मूल्यवान नौकरियों के बीच महिलाओं का अनुपात अभी भी बहुत कम देखा जाता है। हर क्षेत्र में, चाहे वो खेल कूद की दुनिया हो या सिनेमा घर की, कल कारखानों की दुनिया हो या खेत खलियानों की, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों के काम समान ही क्यों नहीं हो। अतः इसके लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 लागू किया गया, जिसके अनुसार समान काम करने के लिए समान वेतन का भुगतान अनिवार्य किया गया। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम महिला भेदभाव वाले क्षेत्रों पे अपनी चर्चा को जारी रखते हुए अब हम लिंग भेद पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत में सेक्स चयनात्मक या लिंग चयनात्मक गर्भपात से बाल लिंग अनुपात में कमी आई है। अगर हम बात करें तो प्रति 1000 लड़कों पे बालिकाओं की संख्या देश में केवल 919 ही रह गया है। दोस्तों, कहीं कहीं पे तो यह अनुपात गिरकर 850 और कहीं तो 800 से भी नीचे चला गया है, और इसका मुख्य कारण लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देने के कारण है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम महिला भेदभाव वाले क्षेत्र पे चर्चा को जारी रखते हुए चर्चा करेंगे उत्पीड़न, शोषण और हिंसा पे। दोस्तों, महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज पढ़ने को मिलती है। शहरी इलाकों में महिलाओं के लिए असुरक्षित वातावरण ज्यादा देखा जाता है, और हर जगह महिलाओं
पे शोषण होता है, जहां तक कि वो अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं होती हैं। दोस्तों, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न, शोषण और हिंसा की सूचना आए दिन दर्ज की जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने चर्चा की लिंग विभाजन, नारीवादी आंदोलन और महिला भेदभाव वाले क्षेत्रों पे। इसका रेफरेंस है राजनीतिक शास्त्र कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक। दोस्तों, अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, धर्म सांप्रदायिकता और राजनीति, धर्म और राजनीति के बीच में संबंध। तब तक के लिए धन्यवाद।